डर से बात होने लगी थी। तो ये कुछ PWD का भी अंदरा होगा अपना, कुछ पंचायत के BDPO के, तो ये इसका समाधान करवा देंगे। एक दिन सबसे मेरी बात हुई थी, आप न्यू कहे थे एक लिखित दरखास्त दे दो, जो भी 7-8 मैंने बता दिया था। उन्होंने पूछ रहे थे कौन कौन है, मगर ये सतीश है, वह एक सरपंच है, डॉक्टर है, जितने हैं ना 10-20 आदमी एक दरखास्त लिख के अभी दे दूँ। सुबह सुबह मैं डॉक्टर कुलदीप जनौषधि प्रोप्राइटर, भारतीय PM जनौषधि प्रोप्राइटर, सुबह सुबह बच्चियां कॉलेज में जाती हैं तो उनको देख हद हो रही है। यहाँ पर हम 15 दिन से देख रहे हैं कि यहाँ पानी गंदा पानी खड़ा है, जिसके कारण जो व्हीकल आते जाते हैं उनकी छींटे बच्चों को लगती हैं, वो कॉलेज में कैसे जाएंगी, स्कूल के अंदर कैसे बैठ के पढ़ाई करेंगी। इसके लिए हम सब गांव के इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि प्रशासन कोई संज्ञान ले इसके लिए, ये लेने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं बीगल चौराहे पर, जिसमें सतीश अहलावत एक्स प्रधान, नाम बता दो ना, मांगेराम जी, और यहाँ पर हमारे और बुजुर्ग आदमी भी यहाँ सुबह सुबह आए हैं। प्रशासन की तरफ से कौन अधिकारी आया था यहाँ पे? प्रशासन की तरफ से हमारा चौकी इंचार्ज राजवीर सिंह जी आए हैं। इन्होंने आश्वासन दिया कि मैं SDM साहब से भी बात करूँगा, और जो PWD BNR जो तहसीलदार वगैरह उन सभी से बात करूँगा इस विषय में। कितने दिन में इस समस्या का समाधान? 2 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान के लिए बोल रहे हैं। जहाँ में इन बच्चिया ने और आदमिया ने यहाँ बस अड्डा के ऊपर एक साइड में पानी बहुत ज्यादा भरा है, इसमें वहाँ बैठी आम यात्री को बहुत काफ़ी परेशानी होती है, एक्सीडेंट भी होने का भय है यहाँ पर। तो इसलिए उन्होंने इसके लिए जाम लगाया था। फिर कुछ एक दो अधिकारी आगे पुलिस वाले ने कह दिया, भी हम कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है सरकार से, अब यहाँ आने के एक्शन वगैरह और इसको पाट कर इसको ठीक करके और इस पानी को निकालें, वरना यहाँ कोई भी अच्छा हो सकता है। इसका समाधान हम देख कर हैं, जल्दी से जल्दी कराओ अगे हम ना, वरना फिर जाम लगाओगे आन के काम वाले और फिर परेशानी होगी आम आदमी ने। अभी SDM से मेरी बात हुई थी, तहसीलदार जो है आश्वासन दे दिया कि 2 दिन के भीतर इसने पानी ने जो है साफ करवा देंगे, इस करके ना ये समझौता हो गया, मान के जाम खोल दिया। बस ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20-25 मिनट जाम लगाया था, 20-25 मिनट जाम लगा दिया था उसके बस स्टैंड पे। और पानी के बारे में ये रोड पर पानी खड़ा रहा, इसके चक्कर में गाड़ियां वाले जो भी सवारी हैं उन सबके लते ख़राब हो जाते हैं। इस कारण 2-3 बार पहले भी कह लिया था लेकिन नहीं सुनवाई हुई।